सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। भाई हमने 800 पर्सन कर लिए हैं। काफ़ी बच्चों की जो डिमांड है कि सर पीडीएफ कब कंप्लीट होगी, हमारे ये क्वेश्चन कब कंप्लीट होगी, हमें पीडीएफ कब मिलेगी। भाई आप चिंता मत करो, 800 क्वेश्चन तो हो गए, 200 क्वेश्चन और बचते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और कई बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि सर स्पीड कम किया करो। भाई एक दो वीडियो में अगर स्पीड हो जाती है तो कुछ आपको बताया भी था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं चली हुई, इस रीजन से आपको जल्दी करवा रहे हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कराया गया। अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये क्वेश्चन है भाई, जो 800 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, जब तक आप पीछे के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप उन क्वेश्चनों को देखिए, बाद में आप आगे बढ़िए। तो आज की क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आता है, नू जिला जो आपका मेवात जिला भाई, वो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था। बताओ भाई, आपका मेवात जिला किस जिले को मिलाकर बनाया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग होकर आपका हरियाणा का 21वां जिला बना है। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आए, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा है, तो आपको बता देना भाई, नू जिला। तो नू जिला भाई ये कब बना आपका, 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को ये आपका मेवात जिला बना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, जो आपका ये नू जिला है किसके कार्यकाल में बना, मेवात जिला किसके कार्यकाल में बना, तो ये आपका भाई उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस जिला को बनाया था। सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार सीएम रह चुके हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा जो आपके लिए ज़रूरी है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, जो आपका मेवात जिला है उसका प्राचीन नाम बताइए। तो आपके नू जिले का प्राचीन नाम सत्यमेव पुरम, और सत्यमेव पुरम नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, तो सत्यमेव पुरम नाम देने वाले व्यक्ति आपके हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी थे भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव पुरम नाम मेवात को किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद कर लो, जो मेवात से नू नाम दिया गया वो किसने दिया भाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कब दिया, 2016 में। ठीक है, तो ये देख लेना भाई प्रश्न। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न, हरियाणा की भी जो आपकी रानिया रियासत है उसको ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, उन्होंने भाई रानिया रियासत को मिलाया, किसको देखते हुए मिलाया गया था, तो हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर मिला लिया भाई। किसको देखते हुए मिलाया, नवाब जाबिद खान द्वारा जो विद्रोह हुआ उसको देखते हुए रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किसकी रियासत है जो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देती है, समर्थन देती है। भाई किसकी रियासत ऐसी थी जब 1857 को विद्रोह किया गया उसमें अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत थी भाई, बताओ। जींद रियासत एकमात्र रियासत थी भाई जो आपकी भाई, जो 1857 का विद्रोह किया गया उसमें हमसे गद्दारी करती है और अंग्रेजों का साथ देती है भाई। ठीक है, याद कर लेना भाई, जींद रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में आती भाई, जो टिपरा पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है भाई, आपकी गगर नदी के उत्तर में स्थित है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाई उस झील का जो निर्माण 1958 में किया गया तो ली कार्बुज़िए ने किया था, तो भाई ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण 1958 में ली कार्बुज़िए ने किया, तो जिसकी देख रेख में भाई आर्द्रभूमि घोषित किया गया, वह झील कहाँ पर है, तो वह झील कहाँ पर है, तो वह झील आपकी चंडीगढ़ में है, सुकना झील। तो सुकना झील भाई आपकी चंडीगढ़ में है। तो कई बार आपको बता चुके हैं भाई, जो चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, सबसे सुंदर शहर आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ली कार्बुज़िए कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। तो इन्होंने भाई एक तो आपकी सुकना झील बनाई है, एक आपका जो आपका हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय उसको बनाया है, और आपकी हरियाणा विधानसभा का गेट फ्रांस से प्रदान किया गया। ठीक है ना, ये चीज़ें हम कई बार जिक्र कर चुके हैं और देखते भी रहा करो। नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है भाई, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या होती है, बताओ। हरियाणा में मावठ वर्षा है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश। ठीक है, हरियाणा में मावठ वर्षा किसको बोलते हैं, पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण होने वाली बारिश यानी वर्षा को क्या बोला जाता है, मावठ वर्षा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई,
हरियाणा का रोज कामेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा में रोज कामेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ पे बनाया गया है? गुरुग्राम में भाई, ठीक है, गुरुग्राम में बनाया ये 1983 में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल, तो चौधरी भजन लाल की सरकार में भाई ये बनाया गया था जो आपका औद्योगिक एस्टेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो आपका चौधरी भजन लाल है उसे संबंधित, तो उसे संबंधित क्या बनेगा? हरियाणा की राजनीति दूरी किसको बोला जाता है भाई? हरियाणा का पीएचडी किसको बोलते हैं? तो आपके चौधरी भजन लाल। हरियाणा का राजनीति दूरी किसको बोलते हैं? चौधरी भजन लाल को, ठीक है, याद करते रहना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने गुरुग्राम में भाई आपका क्या बनाया? औद्योगिक एस्टेट बनाया। नेक्स्ट है खोखरा कोट, जो आपका स्थल है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित होगा भाई? खोखरा कोट कहाँ से संबंधित होगा? आपका रोहतक से संबंधित होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या भाई पुरातात्विक स्थल है क्या, जहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, तो क्या क्या वस्तुएं मिलती है भाई जो आपका खोखरा कोट है वहाँ से, देख लेना भाई। दूसरी ईसा पूर्व से पहले के जितनी भी आत्ममुद्राएँ यहाँ से मिली है, ठीक है ना, प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के मिले हैं, जो आपकी क्या थी योद्धा किले की जो टस्काल है यानी टकसाल यहाँ से मिली है, जो इंडो ग्रीक के सिक्के हैं तीसरी शताब्दी के यहाँ से मिले हैं, तो लाल पत्थर से बनी हुई किसान कालीन वसुमकालीन मूर्तियाँ यहाँ से मिली है, ठीक है भाई, कहाँ से? खोखरा कोट रोहतक से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? बताओ भाई, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण यानी जो आपका राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बचाव है उस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? दो को मान्यता दी गई है भाई, और कुल कितनी है आपकी? 1441, ठीक है, करंट में देख लेना भाई कितनी अपडेट हुई है। तो हरियाणा की अन्य महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि कौन सी हो जाएगी? बसई। बसई झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में भाई, ठीक है। तो सुखना झील हमने बता ही दिया, सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। तो इसको आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? 1988 में। नेक्स्ट आता है भाई, वह झील हरियाणा के थानेसर में आती है जो किताब उल हिंद में है भाई, बताओ किताब उल हिंद में किसका उल्लेख मिलता है? तो बताइए, ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है ना, थानेसर के अंदर है, कुरुक्षेत्र में। तो ये किसकी पुस्तक है भाई? ये क्या है, 11वीं सदी का जो सीसा बोला जाता है, 11वीं सदी का जिसको दर्पण कहा जाता है, किसकी? अल्बुर्नियम की ये पुस्तक है भाई। उसकी जो पुस्तक थी उसकी पुस्तक में किसका जिक्र मिला? उसकी पुस्तक में हमें जिक्र मिला था किसका? ब्रह्म सरोवर का जिक्र, ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर का जिक्र किताब उल हिंद में मिलता है, यानी 11वीं सदी का जो दर्पण है सीसा है उसकी पुस्तक में हमें इसका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। ये चीज़ें देखते रहा करो, कई बार पढ़ चुके क्योंकि बार बार ये जो चीज़ें करवाई जा रही है तो ये आपके लिए खास हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है भाई, तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताओ भाई, बता दो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौद, यानी कन्नौद क्या है भाई? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है, ठीक है ना, ये प्रश्न पक्का आता है आपके एग्जाम में, अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो कन्नौद पक्का पूछा जाता है। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताओ, कन्नौद है, ठीक है भाई, क्या नाम है? कन्नौद है। 17वीं शताब्दी में भाई यहाँ पर क्या था, मराठा शासक जो तात्या टोपे थे उन्होंने एक किला बनवाया था, तो याद करना भाई, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में जो महाराजा थे हुए हैं कौन, तात्या टोपे, उन्होंने यहाँ पे एक किला बनाया, कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। तो ये आपके लिए जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्नौद किसका नाम है, महेंद्रगढ़ का है, पचमपुर किसका नाम है भाई आपका, पिंजौर का, ठीक है। तो जयंतपुरी, जयंत नगरी, जींद को बोला जाता है, नराष्ट्र किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित होता है, यानी जो आपका सही मिलान में सही पाएगा उसको हमें क्या करना है, अनुस्वर बताना है। तो राखी गड्डी का जो राजमुकुट है, कुणाल का जूता हुआ खेत है, बनावली का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता बनावली को बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई भी क्या है सही जो मेलित है वो नहीं होता, क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो इसमें बताया गया है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल आपका राखी गड्डी हिसार को बोलते हैं, जूता हुआ खेत आपका बनावली फतेहबाद में है, जो आपका राजसी मुक्त है यानी रिंगल क्राउन ये आपका कुणाल फतेहबाद में है। तो हरियाणा में दूसरा बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा हो जाएगा? फरमाणा। फरमाणा कहाँ पे है भाई आपका? रोहतक में, दक्ष खेड़ा फरमाणा रोहतक को हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हरियाणा की पूर्ववर्ती राजधानी बताओ भाई, हरियाणा की पूर्ववर्ती राजधानी कौन सी हो जाएगी? राखी गड्डी। राखी गड्डी आपका हिसार में है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन कौन सा हो जाएगा? मिथातल भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का थानेसर था भाई जो आपका
किस राजा की राजधानी हुआ हर्षवर्धन की, तो क्या थी भाई हर्षवर्धन की दो राजधानियाँ हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी थानेश्वर, एक आपकी कन्नौज, ठीक है ना। तो पहले वाली राजधानी कौन सी थी भाई बताओ, तो पहले वाली राजधानी कौन सी थी, तो पहले वाली राजधानी हो जाएगी भाई थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज को क्या बनाता है अपनी राजधानी बनाता है हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में आता है भाई, हरियाणा के उत्तर में बताओ भाई, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश आता है। तो हरियाणा कब बना भाई, 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा था, तो सबसे बड़ा जिला भाई आपका हिसार, सबसे छोटा जिला जींद, ये बेसिक सी जानकारी है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन, तो बताओ भाई हरियाणा का एशिया का जो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म है वो कहाँ पे बनाया गया, हिसार में बनाया गया, कब बनाया गया भाई बताओ, कब बनाया गया ये बताओ, 1809 में, ठीक है ना, याद करना भाई, इसकी स्थापना 1809 में हुई है, भारत में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ये क्या पशु फार्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 817 नंबर क्वेश्चन, तो 817 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से होकर गुजरती है, दक्षिणी भाग से अरावली श्रेणियाँ गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरेगी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, ठीक है ना भाई, याद कर लेना कौन कौन से जिलों से गुजरेगी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद। तो अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं दिल्ली में शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात में समाप्त हो जाती हैं। हरियाणा का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर आएगा भाई, आपका अरावली क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ की योजना बनाई गई थी भाई, किसने चंडीगढ़ की योजना बनाई, ली कार्बूसियर ने भाई, इसको डिजाइन किया था, सभी जानते हैं चंडीगढ़ को, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हरियाणा का उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा कहाँ पर आएंगी, चंडीगढ़ में। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है भाई हरियाणा के ख्वाजा अल्फात हुसैन अली का जन्म हुआ भाई कहाँ पर हुआ है, पानीपत में हुआ, कब हुआ, 1823 में, सॉरी दोस्तों 1837 में हुआ, ठीक है। ख्वाजा अल्फात हुसैन अली का जन्म कब हुआ, 1837 में, और इनकी मृत्यु 1914 में हो गई। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, हरियाणा के ख्वाजा अल्फात हुसैन अली थे, क्या थे भाई, एक कवि थे या फिल्म अभिनेता या राजनीतिज्ञ या इनमें से कोई नहीं, तो कवि हुए हैं भाई ये, तो भाई इनके जो क्या थी रचनाएँ थी ये देख लो भाई, कौन कौन सी रचनाएँ की है, कई मायनों में जो क्या मुकदमा एस शेर ओ शायरी, ठीक है, पूछी जाती है ये इनकी रचनाएँ, याद करना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई भाई, 1970 में की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पे, पंचकुला में। तो इसकी पत्रिका पूछी जाती है भाई कौन सी है, हरिगंधा, ठीक है ना, जो आपकी क्या थी हरिगंधा पत्रिका वो किसकी थी, हरियाणा साहित्य अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क कहाँ पे आएगा, तो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क भाई कौन सा है ये आपका बताओ, सुल्तानपुर पक्षी विहार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है, ये राज्य का प्रमुख पक्षी विहार है, सुल्तानपुर जो जिला आपकी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। तो भाई जो बनाने का श्रेय किसको जाएगा, इसको सुल्तानपुर पक्षी विहार को बनाने का श्रेय जाता है पीटर जैक्सन को, तो पीटर जैक्सन को जाता है, इस पर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है साइबेरियन सारस, पूछ ले आपसे साइबेरियन सारस कहाँ पे पाया जाएगा, तो गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील में पाया जाएगा। तो हरियाणा पावर जनरेशन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है भाई उसका गठन कब हुआ, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ, 1997 में, ठीक है ना भाई, देखते रहना कब हुआ, डेट है 1997 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट आता है हरियाणा का राज्य पक्षी बताओ भाई, ब्लैक फ्रॉक लियन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है ना भाई, जो आपका राज्य पक्षी है या जो क्या राज्य पक्षी के बाद आता है कौन सा, ब्लैक फ्रॉक लेन, इंग्लिश में नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रॉक लेन यानी काला तित्र। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला, तो जूही चावला का संबंध कहाँ से हो जाएगा, अंबाला से, जूही चावला ओमपुरी, एक आपकी कौन हो जाएगी भाई, जूही चावला ओमपुरी, एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ भाई, प्रणीति चोपड़ा, प्रणीति चोपड़ा, ठीक है ना भाई, तो ये याद कर लेना भाई आपकी कहाँ से संबंधित होंगी, ये आपकी अंबाला से होंगी, और एक आपका जैसे सुभाष गई है ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, रोहतक से, ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं भाई सुभाष गई का संबंध रोहतक से, जो आपके सुनील दत्त हुए हैं, जो आपके संजय दत्त के पिताजी थे भाई, उनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो उनका संबंध आपका यमुनानगर से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आते हैं भाई, जो आपकी फिल्म अभिनेत्री हैं, जो अभिनेता हुए उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों,
तो हरियाणा में भाई शीतला माता का मेला जो लगता है कहाँ पे लगेगा, गुरुग्राम में लगता है भाई, गुरुग्राम में शीतला माता का मेला लगता है। तो शीतला माता को किस किस नाम से जाना जाता है, कर्पी माता मसानी या लीता के नाम से इसको जाना जाता है। चेचक से पीड़ित बीमार जो बच्चे होते हैं यहाँ पे आते हैं और वो बच्चे ठीक होके जाते हैं भाई, ये ऐसी मान्यता है। जो क्या गुरुग्राम में चेचक से पीड़ित होके आएगा वो अवश्य ठीक हो के जाएगा, तो ये याद करते रहना भाई। जो खास प्रश्न है आपको बता दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का 22वां जिला बनता है भाई, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बनता है, चरखी दादरी। तो ये जिला भाई हरियाणा का 22वां बनता है, कब बना है, 2016 में 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है ना, हरियाणा के 22वें जिले के रूप में बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मिशन इंद्रधनुष योजना संघ हरियाणा के किस विभाग से संबंधित हो जाएगी। तो मिशन इंद्रधनुष योजना है तो हरियाणा के किस विभाग से संबंधित है भाई, आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित हो जाएगी। किससे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित हो जाएगी आपकी जो इंद्रधनुष मिशन योजना है। नेक्स्ट आता है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के जो 10 नए उपमंडलों में से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में कौन शामिल नहीं है, मुनाक भाई, ठीक है ना। पहले तो आप याद करो भाई, वर्तमान में कितने उपमंडल हैं, कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, ठीक है, कितने जिला प्रसिद्ध हैं हरियाणा में, ये चीज़ें याद कर लेना भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बताओ भाई, जो आपका क्या है, जो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर पूछा इसने, कौन है, ठीक है ना, बताओ। जैसे कि आपके गृह मंत्री कौन है, अनिल विज, तो क्या उन्हीं के पास ये मंत्रालय है, जो आपका क्या है, स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय दिया गया है, वो किसको है, अनिल विज को दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं भाई आपके, जैसे कि हरियाणा में वित्त मंत्री कौन है, माननीय सीएम साहब के पास ये मंत्रालय है, तो ये क्वेश्चन याद करते रहना भाई। जो आपके गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा शोध विभाग है, आयुष विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, ये अनिल विज के पास है। और जो आपके रणजीत सिंह चौटाला है, निर्दलीय विधायक है, जो निर्दलीय विधायक है रानिया से, तो उनके पास जो महत्वपूर्ण विभाग है, एक तो जेल विभाग है, एक आपका क्या विद्युत विभाग, एक क्या ऊर्जा विभाग, एक नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है, ठीक है ना। तो डॉक्टर बनावरी लाल हैं जो आपके भाई, ये बालो कहाँ से, बालो से विधायक हैं, तो बालो कहाँ पर पड़ता बताइए भाई। तो ये डॉक्टर बनावरी लाल हैं जो आपके बावल से विधायक हो जाएंगे, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, सहकारिता और जो आपका अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण यानी संतृप्त परिवार के, ये क्या भाई, मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले 2020 में किस राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया भाई। जो आपका 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगा उसमें भाई आपका कौन सा राज्य थीम बना था, बताओ भाई, कौन सा राज्य थीम बना 2020 में। तो वर्तमान में कौन है भाई, कौन सा देश थीम बना और कौन सा राज्य बना, ये भी देख लेना। इसने पूछा भाई 2020 में कौन सा मेला लगा था, 34वां मेला लगा था, कौन सा राज्य बना इसमें थीम, जो आपका थीम राज्य बना भाई हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, 18वीं जो आपके एशियाई हुए हैं, जो आपके 18वें एशियाई खेलों में हरियाणा के निम्न में से कि जो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, तो स्वर्ण पदक किस किस ने जीता भाई, जो आपके 18वें एशियाई खेल हुए, तो किस किस ने, एक तो नीरज चोपड़ा, एक मनजीत सिंह ने, जो आपके 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जीतने का काम किया। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना भाई हमने, एक तो अमित पंघाल का संबंध पूछा है, एक नीरज चोपड़ा, एक बजरंग पुनिया, बताओ भाई जो आपके अमित पंघाल है वो किसे संबंधित होंगे। जैसे कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं, बजरंग पुनिया कुश्ती से हैं, तो सीधा सा प्रश्न बन गया अमित पंघाल का संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। तो क्या है, हमारे जो अमित पंघाल है उनका संबंध हो जाएगा रोहतक से, ठीक है भाई, ये मुक्केबाजी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। नीरज चोपड़ा खंडरा गांव पानीपत से, भाला फेंक में, जैवलिंग थ्रो में, बजरंग पुनिया आपके खुंडन गांव जज्जर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो आपका डिजिटल उन्नयन यानी जो आपकी डिजिटलीकरण, ठीक है ना, डिजिटल माध्यम द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा नया विभाग शुरू किया भाई। जो आपका डिजिटल माध्यम द्वारा सरकारी योजना होती है ना, उनका क्रियान्वयन यानी उनको आगे बढ़ाने में अन्य सरकारी सेवाएं जो दी जाती है, हरियाणा सरकार ने उनके लिए कौन सा विभाग शुरू किया। नागरिक संस्थान सूचना विभाग शुरू कर दिया भाई। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड स्लीप मेले का उद्घाटन किसने किया भाई, उद्घाटन किसने किया भाई, आपके जो राष्ट्रपति हुए श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। वर्तमान में कौन है भाई राष्ट्रपति, तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ने, ये पीछे के राष्ट्रपति ने पीछे के क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाई किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो दांतों का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ भाई बत्तू बुआन में, ठीक है। बत्तू बुआन कहाँ पे है,
फतेहाबाद में भी, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें मिली हमने 5000 वर्ष पुरानी, ठीक है, ये याद कर लेना भाई। बुत्ता क्या था जो आपका, बत्तू बुहान गांव है फतेहाबाद के अंदर, वहाँ पे चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट है, आदित्य राज विश्व मैराथन चैलेंज पूर्ण करने वाला प्रथम भारतीय बने भाई, तो ये प्रथम भारतीय बने तो ये संबंधित आपके गुरुग्राम से, ठीक है, गुरुग्राम से संबंधित हो जाएगा भाई आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, तो क्या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया? बाबर पहला युद्ध जीतता भाई 21 अप्रैल 1526 को, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी और दूसरी लड़ाई कब होती? 5 नवंबर 1556 को। नेक्स्ट आता दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में कई बार बता चुके हैं, इसका मुख्यालय पंचकुला में और इसकी पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। तो हरियाणा में भाई कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से अलग होकर हरियाणा की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? यमुना नदी निर्धारित करती है भाई। यमुना नदी के बारे में कितनी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखो भाई, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो आपका झज्जर जिले में भाई राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये आज के हमने 840 प्रश्न कर लिए, यानी हमने 40 प्रश्न आज की क्लास में किए, तो हमारे थोड़े ही प्रश्न बचते हैं। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, पीछे की क्लास आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।